अब आपको महिंद्रा दे रहा है 150 किलोमीटर। चार्जिंग की बात करूं कितने देर में चार्ज होता है, हॉर्न भी दे दिया है, हॉर्न काफी लाउड है। 10 लाख की इंश्योरेंस करके अगर एक्सीडेंटल कभी कुछ होता है आपको कॉल करके आप बुला सकते हैं, वो बकायदा आपको उठा के गाड़ी सर्विस सेंटर तक छोड़ के आती है। कोई भी बैठेगा तो बोलेगा कि वाह मतलब मजा आ रहा है। बैटरी कंट्रोलर और मोटर की आपको मिल जाता है वारंटी। एयरपोर्ट के लिए रेलवे स्टेशन के लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन बन चुका है, ऐप है जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी ड्राइवर भाई। मैं रोशन सिंह, नेटवर्क ऑफ इंडिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मेरे पूरे वीडियोस देखते होंगे। गाइज मैं आप लोग के लिए डेली वीडियो लेके आता हूँ दोपहर 1 बजे और रात को 9 बजे, ऐसी देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं और बहुत सारा बिजनेस आइडिया आप लोग को देता हूँ ताकि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ऐसी ई ऑटो जो है आजकल बहुत अच्छा साधन बना है जो कि आपको रोजगार देता है और कहीं ना कहीं महिंद्रा इसमें बहुत अच्छा रोल निभा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं महिंद्रा ने आज तक 1 लाख से ज़्यादा अपनी ई ऑटो को बेचा है और कहीं ना कहीं ये नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है पूरे भारत का। तो गाइज आज जो लॉन्च हो रही है, नया एक ब्रांड लॉन्च हो रही है इनके, ट्रियो प्लस। पहले हमने ट्रियो देखा था, ट्रियो के बाद ट्रियो प्लस इन्होंने लॉन्च किया है। ट्रियो प्लस में आपको बहुत सारा ऐसा फीचर मिल जाता है, एवरेज हो गया, सीट बहुत अच्छा मिल जाता है और बाकी चीज़ों जो है ब्रेक हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेगा जो बहुत सारी इसको डिफरेंट बनाता है, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट बनाता है। चलिए आइए हम इसके बारे में जानकारी लेंगे और आगे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप गाड़ी का प्लान कर रहे हैं इसको मत मिस करिएगा, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए आइए मैं इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो गाइज अब हम इसके बैटरी के फीचर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो बैटरी जो है वो आती है 10.24 किलोवाट की आती है और अगर मैं इसकी चार्जिंग की बात करूँ कितने देर में चार्ज होता है तो ये फुल चार्ज होता है 3 घंटे 50 मिनट में। और अगर मैं इसकी बात करूँ चार्जर की तो चार्जर होता है 3 किलोवाट की इसकी चार्जर मिल जाती है जो इजीली इस ई ऑटो को चार्ज करती है, वो भी 3 घंटे 50 मिनट में सिर्फ। तो ये सब फैसिलिटीज़ है जो आपको इस बार देखने को मिलता है आपको जो ट्रियो प्लस में। तो गाइस जो प्लस में आपको और अच्छा फीचर्स मिलता है वो एवरेज जो है अब आपको महिंद्रा दे रहा है 150 किलोमीटर, है ना। अगर इसकी मैं सर्टिफाइड की बात करूँ तो सर्टिफाइड हो चुका है ये 167 किलोमीटर ये चलता है एक चार्ज में, लेकिन जो महिंद्रा दावा करता है जो कंफर्म आपको देता है वो 150 किलोमीटर तक देता है। आप एक चार्ज में महिंद्रा की आप चला सकते हैं 150 किलोमीटर। बहुत सारे ड्राइवर भाई का ये प्रॉब्लम हुआ करता था कि वो लंबी सवारी नहीं ले जा सकते थे, जैसे एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के लिए अगर आप करते हैं, अगर आपके शहर में एयरपोर्ट हमेशा दूर रहता है तो ये एयरपोर्ट के लिए रेलवे स्टेशन के लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन बन चुका है जो कि लोग भी इसको कंफर्टेबल के लिए यूज़ करते हैं। तो गाइज जैसा कि इसको मैं किलोमीटर आपको बताया 150 होने के कारण और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। तो गाइज इसमें हमको मिल जाता है IP67 का मोटर्स जो कि 8 किलो वॉट इसमें पावर जनरेट करता है और इससे इसका जो टॉर्क है वो 42 Nm टॉर्क बन जाता है जिससे बहुत अच्छा पावर मिलता है और इसकी जो स्पीड है वो 55 तक पहुंच जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इसको बहुत बेहतरीन बनाता है जो कि अच्छी मोटर्स जो कि प्रोवाइड करता है स्पीड अच्छा देने में। तो गाइज इसमें मैं और एक चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा, जब भी आप चढ़ाऊ चढ़ते हैं जैसे ब्रिज में चढ़ते हैं, है ना, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं इसमें, उस टाइम आपको ये डर रहता है कि चढ़ेगा कि नहीं। तो महिंद्रा ने जो ये ट्रियो प्लस लाया है ना, ये 12.5 इसकी डिग्री 12.5 डिग्री में आराम से चल सकता है और वो जैसे रोल बैक होता है ना वो प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, जैसे कि डर लगता है कि ब्रेक मारे तो वापस आ गया रिटर्न आ गया, तो ये सब नहीं। वहाँ पे स्टे, आप चाहते हो कि वहाँ पे ब्रेक मार के रुक जाए तो भी रुक जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। तो ये हमारे ड्राइवर भाई लोग को बहुत अच्छा एक एडवांस फीचर मिल जाता है। महिंद्रा ट्रियो प्लस की आपको वारंटी के बारे में बताना चाहता हूँ, किस किस चीज़ में आपको वारंटी मिलता है। इसमें वारंटी जो मिलता है बैटरी कंट्रोलर और मोटर की आपको मिल जाता है वारंटी। अच्छा वारंटी कैसे मिलता है, 3 साल तक की वारंटी रहता है, तो 3 साल पहले कंप्लीट हो जाए या 80,000 किलोमीटर तो ये वारंटी आपको मिल जाता है।
तो दोनों में से कोई भी हो जाए। और इसका एक और ऑप्शन है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर जो कि आपको वारंटी मिल जाता है। तो गाइज मैं इसकी व्हील की दूरियां बताना चाहता हूँ, 2073 इसका mm जो डिस्टेंस है, जो कि गाड़ी को अच्छा जो स्टेबिलिटी देती है। और इसमें जो आप देख रहे बॉडी वो SMC बॉडी है, SMC बॉडी जो कि आप रिपेयरेबल होता है, रिपेयर कर सकते हैं, ये फाइबर प्लास्टिक नहीं है, ये रिपेयरेबल है, SMC बॉडी है। और ये टूटता भी बहुत कम है, मतलब ये अनब्रेकेबल होता है, बहुत मुश्किल से टूटता है, ऐसा आपको लगेगा। प्लास्टिक फाइबर एक होता है कि जल्दी टूट जाता है, एक पट से टूटती है, लेकिन ये क्या रिपेयर हो जाती है, ये बहुत खिंचाव रहती है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डिफरेंट टाइप से होती है, तो ये इसको अच्छा बनाता है। तो गाइस SMC जो बॉडी है वो रस्ट फ्री रहता है और डेंट फ्री रहता है। अगर आप पीछे आ जाएं, पीछे अगर देखें इसका बम्पर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा, बहुत मजबूत है। अगर कोई आके मारता है तो इसका मजबूती है वो रोकता है। और इसका लुक देख रहे हैं पीछे से, काफ़ी हैवी लुक है। तो यहाँ पे एक गेट मिल जाता है इजीली, आप कुछ नहीं तो इसको बस ऊपर उठा के ऐसे घुस सकते हैं। गेट होने से क्या होता है ना, सेफ्टी अच्छा मिल जाता है, इसमें सेफ्टी हो जाता है। अभी ये देखिए बंद भी हो गया। अगर मैं बोलूँ तो इस कंफर्टेबल की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्ट है, जो इसकी सीट है, सीट की जो कंफर्ट है वो बहुत अच्छा इस बार दे दिया है इन्होंने। मतलब ये कड़ा नहीं है, मतलब बैठने में ना बहुत अच्छा लग रहा है, कोई भी बैठेगा तो बोलेगा कि वाह, मतलब मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर स्पेस भी देख रहे हैं तो स्पेस भी बढ़ गया इस बार अपन को स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है स्पेस। और सीट की जो क्वालिटी है, आराम से 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं इसमें। कंपनी ने एक अच्छा लॉन्च किया है जो कि RSA बोलते हैं। RSA क्या होता है कि यहाँ पे स्टिकर लग जाती है, एक नंबर रहती है आपकी, उसमें कॉल करते हैं आप, तो आपकी गाड़ी कभी कभार भाई ख़राब हो जाती है, कभी प्रॉब्लम में आ गई, बारिश हो रही है, कहीं फंस गए आप, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो RSA से क्या कर सकते हैं, कॉल करके आप बुला सकते हैं, वो बकायदा आपको उठा के गाड़ी सर्विस सेंटर तक छोड़ के आती है। इससे होता क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं ले जाने की जो टेंशन होती है वो सॉल्व हो जाती है ना। तो गाइस ये अच्छा आपको ऑप्शन मिल जाता है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा महिंद्रा ने निकाला है, जो कि मुझे भी खुद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर भाई के गाड़ी ख़राब हो जाती है और उनको कुछ साधन नहीं मिलता है, तो वो यहाँ इस नंबर में, यहाँ पे डिस्प्ले होगा, उसको कॉल करके आप बुला सकते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे ड्राइवर भाई को इंश्योरेंस जो महिंद्रा फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, 10 लाख की इंश्योरेंस करती है, अगर एक्सीडेंटल कभी कुछ होता है आपको तो आपके घर वाले लोग को 10 लाख का बीमा जो अमाउंट है वो मिलता है, वो बहुत अच्छा है यार। मतलब मैं कहूँगा कि जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा है। फील करने की बात करूँ तो इसमें कंफर्टेबल बहुत है, सीट का बैग भी देख रहे हैं, बैग भी दे दिया है, ये भी बहुत कम्फर्ट है, यहाँ अपन बैठे हैं ये भी बहुत कम्फर्ट है ना, साइड ग्लास दे दिया है दोनों आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक डिजिटल मीटर भी दिया है, जो कि डिजिटल मीटर आपको सब कुछ बताएगा। अभी देखिए 112 किलोमीटर ये बचा हुआ है। हॉर्न भी दे दिया है, हॉर्न काफ़ी लाउड है, देख रहे हो, मतलब हॉर्न जब मार रहे हैं तो काफ़ी दूर तक सुनाई दे रहा है। हॉर्न नॉर्मली इलेक्ट्रिक में एक प्रॉब्लम है कि हॉर्न ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है, तो ये अपर डिपर भी मिल जाता है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर मिल जाता है। और इसकी ब्रेक की बात करो तो हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो बहुत कंफर्टेबल होता है, मतलब आप जब ब्रेक मारते हैं तो आप कभी भी अचानक ब्रेक भी लगाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक इस काफ़ी अच्छा है महिंद्रा का, मैं ये कहना चाहूँगा। और अगर मैं बोलूँ कि बैठ के चलाने के लिए तो मेरे को बहुत इजीली यहाँ पे सर के ऊपर स्पेस मिल जाता है ना, ये 6 फीट वाला भी आदमी अगर हेल्दी है बहुत तो भी आराम से बैठ के चला सकता है, मतलब कम्फर्टेबल सीट में जो कम्फर्टेबल दिया है वो भी काफ़ी अच्छा दे दिया है इस बार। तो गाइज और एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 1100 सेंटर्स है, सर्विस सेंटर्स है पूरा ऑल इंडिया में, जो आप कहीं पे भी सर्विस के बारे सोचते हैं तो काफ़ी बड़ा रेंज मिल जाता है आपको सर्विस सेंटर 1100। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि नीमो ड्राइवर ऐप जो कि न्यू लॉन्चिंग है महिंद्रा के द्वारा, और ये बहुत यूज़फुल है और ये बिल्कुल फ्री है। सामने फ्रंट की लुक बोलूँ तो काफ़ी अच्छा लुक है इसका, है ना, 2 लाइट मिल जाता है, इंडिकेटर मिल जाता है, प्यारा सा इंडिकेटर देख रहे हैं ना, यहाँ लोगो देख रहे हैं महिंद्रा का, और यहाँ पे आप देख रहे हैं हेडलाइट काफ़ी खूबसूरत है इसका, और लुक भी काफ़ी अच्छा है।
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जब भी आप लेने जा रहे हैं तो ये आराम से आप ले सकते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम इसमें मजबूती बहुत अच्छा है। और ये जो फीचर्स बताया हूँ आपको ट्रियो प्लस का, वो काफ़ी अच्छा है, जो कि किलोमीटर आपका इतना बढ़ा देता है ना, तो किलोमीटर इतना बढ़ गया आप लोग के लिए, जो प्रॉब्लम्स था जो पहले के ड्राइवरों का कि किलोमीटर कम चलता है, एयरपोर्ट नहीं ले जा सकते हैं सर, बहुत लंबा हो जाता है, तो ये सब अच्छी बात है ना, तो ये आप ले सकते हो। अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप लेना चाहोगे तो। तो गाइज आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू? काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी महिंद्रा ने जो ट्रियो प्लस लॉन्च किया है वो काफ़ी अच्छा है। इस ई ऑटो को 10 out of 10 देना चाहूँगा, क्योंकि जो चीज़ अभी लेके आया है इन्होंने पहली बात तो एवरेज को बढ़ा दिया है ना, बट 150 किलोमीटर ये जाता ही जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती है। और मैं अपने ड्राइवर भाई को ये सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ये वन टाइम खर्चा आपको करना पड़ता है। आप डीजल की तरफ जाते हैं अगर, या सीएनजी, अभी जैसे जानते हैं कि गवर्नमेंट भी अभी इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करती है, तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा, आप बहुत सारी गाड़ी को भी चेक करने जाइए, लेकिन एक बार ट्रियो प्लस को ज़रूर चेक करिए, क्योंकि ट्रियो प्लस जो अभी आपको वैल्यू दे रहा है ना, जो चीज़ें जो चेंज करके दे रहा है, वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टिकाऊ भी है, आपको बहुत टाइम तक चलेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जब भी ले रहे हैं तो लीजिए और एक बार ट्राई कीजिए, और डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा आपको आपका पैसा बढ़ाने में। और जो होता है ना, आराम से आप इसमें 1500 रुपये कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इतने सारे लोगों का इंटरव्यू किया हूँ, तो जहाँ तक कि मैं हमेशा 1000+ लोग कमाते हैं, लेकिन ट्रियो प्लस में आप आराम से 1500 से 2000 रुपये कमा सकते हैं, है ना। तो आपको इतना सारा फीचर्स मिल गया, तो आप मैं चाहूँगा कि आप इसको जाइए और टेस्ट कीजिए। और चलिए एक बार हम टेस्ट करके, वाइब्रेशन नहीं है, किसी प्रकार का झटका नहीं है, है ना, और ये सारी चीज़ें इसको अच्छा बनाती है। जो भी महिंद्रा के शोरूम है वहाँ पे जाइए और ख़रीदिए। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसी देखिए मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कभी हार मत मानिए दोस्तों। आपका जॉब अच्छा नहीं चल रहा, आप हार मत मानिए। आप चाहे तो इस ई ऑटो को लेकर 2000 पर डे कमा के आप अपना घर चला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेवर गिव अप इंडिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, और कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आप लिखिए। थैंक यू गाइस।